अनामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपर्पज़ बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मल्टीपर्पज़ बैग स्टिच किया है। देखिए इसको हम इस साइड से यहाँ से ओपन कर लेंगे। एक हमने जिप से साइड पॉकेट दी है, इसको ओपन करेंगे और इस साइड अपना देखिए कोई भी सामान इसमें सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए। और एक हमने इस साइड भी पॉकेट दी है, इसको भी ओपन कर लेंगे और इस साइड भी देखिए अपना कोई भी सामान इसमें सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर दीजिए। और एक पॉकेट हमने ओपन दी है, इस साइड भी अपना कोई भी सामान देखिए सेट करते हुए इसको यहाँ से देखिए मैगनेट से लॉक कर देंगे। और बैक साइड में भी हमने एक जिप से पॉकेट दी है, इसको भी ओपन कर लेंगे और इस साइड भी देखिए अपना कोई भी सामान इसमें सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर लेंगे। ये बैग काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स। इस बैग में अपना कोई भी सामान लेके स्टोर करके आप सेट करके रख सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी हैंड बैग, ट्रैवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस बैग को परचेज़ कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा मल्टीपर्पज़ बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज हम ये मल्टीपर्पज़ बैग स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। मल्टीपर्पज़ बैग बनाने के लिए हमने 11x24 का एक मेन फैब्रिक लिया है। 11x24 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और ये हमने 4x8 का टू मेन फैब्रिक्स लिया है। 4x8 का टू मेन फैब्रिक्स लेना है और टू हमें प्लेन पीस लेना है 4x8 का। और ये हमने 5.5x11 का एक मेन फैब्रिक लिया है। 5.5x11 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और एक हमें ये प्लेन पीस लेना है 5.5x11 का। और ये हमने एक प्लेन पीस लिया है, हमें एक प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 8x11 का एक प्लेन पीस लिया है। 8x11 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। और ये 7x11 का हमने एक प्लेन पीस लिया है। 7x11 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। और ये 5x11 की हमने एक ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है और इसमें हमने देखिए एक साइड से 11 की साइड में पाइपिंग को स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो हमें 5x11 की एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लेनी है। और ये हमने 11 इंच की एक स्ट्रैप ली है। इस स्ट्रैप को स्टिच करने के लिए 2.5x11 का एक मेन फैब्रिक लेके उसको डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके इसे रेडी करना है। तो 11 इंच की हमें एक स्ट्रैप लेनी है और 1 हमें ये मैग्नेट लेना है। सबसे पहले हम 11x24 का ये मेन फैब्रिक लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने इटालियन लेदर लिया है बट आप किसी भी फैब्रिक से इस बैग को स्टिच कर सकती हैं। तो अब देखिए 11 की साइड में इस साइड से हम यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड हमें देखिए 1.5 इंच नीचे की साइड में डाउन करना है। ये हमने 1.5 इंच पे डाउन कर लिया है। अब जो ये हमने मार्क किया है इसे हम मार्क के अकॉर्डिंग सीधे कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन पे इस फैब्रिक को हमने देखिए कट कर लिया है। और अब हमें 5x11 की ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लेनी है और 11 इंच की ये हमें जिप लेनी है। पहले हम ट्रांसपेरेंट पन्नी को लेंगे और इस पन्नी में हमने देखिए एक साइड से पाइपिंग को स्टिच कर लिया है और जिस साइड से हमने देखिए पाइपिंग स्टिच नहीं किया है उस साइड से हम देखिए ट्रांसपेरेंट पन्नी को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी को देखिए इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए जो स्टिच लाइन है इसे हम ऐसे बैक साइड में ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और अब हम सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने सीधे स्टिच कर लिया है और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसको हमने कट किया था। इसमें हम देखिए ऐसे रखेंगे जिप को, दोनों राइट साइड एक साइड में होगा। जिप को हम देखिए ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। जिप की एक साइड में हमने देखिए इस फैब्रिक को स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। और अब हम देखिए इसको ऐसे रखेंगे जिप के ऊपर, हम ये ट्रांसपेरेंट पन्नी जिस साइड हमने पाइपिंग को स्टिच किया है उसको हम देखिए सिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे।
इस साइड हमने देखिए सीधे स्टिच करके ट्रांसपेरेंट पन्नी को जिप में अटैच कर दिया है। और अब हम जिप में रनर डालेंगे, ये हम रनर लेंगे और जिप में रनर डाल लेंगे। इस साइड हमने देखिए जिप में रनर डाल लिया है। और अब हमें 8x11 का ये प्लेन पीस लेना है। और इस प्लेन पीस को देखिए हम ऐसे रखेंगे, प्लेन पीस का राइट साइड ऊपर की साइड में होगा और इस प्लेन पीस को ऐसे सेट करेंगे। देखिए ये फैब्रिक इसके ऊपर ऐसे सेट करते हुए पहले हम पिनअप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए पिन से सेट कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस साइड से ऐसे हम थ्री साइड से स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को इस फैब्रिक में साइड से अटैच कर देंगे। थ्री साइड से स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। और अब हम बैक साइड में आएंगे और इस साइड से जो ओपन है प्लेन पीस का पार्ट, इस साइड हम देखिए ऐसे सीधे स्टिच करके इसमें हम प्लेन पीस को अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को लॉक कर दिया है और इस साइड से हमारी ये पॉकेट यहाँ पर स्टिच हो गई है। और अब हम देखिए इसकी दूसरी साइड में आएंगे और इसकी दूसरी साइड से हम यहाँ पर इस साइड से 10 इंच पर मार्क करेंगे। ऐसे करते हुए 10 इंच पे हमें डाउन करना है। यहाँ पर देखिए ऐसे हम सीधे मार्क कर लेंगे 10 इंच पे। 10 इंच पे इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है। अब जो ये हमने मार्क किया है इसे हम कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए इस फैब्रिक को कट कर लिया है। 11 इंच की ये दूसरी जिप लेनी है और इस जिप को हम देखिए ऐसे रखेंगे, राइट साइड दोनों एक साइड में होगा। इस जिप को ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस फैब्रिक को स्टिच करके अटैच कर देंगे। जिप को हमने इस फैब्रिक में स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसमें हमने दाग सिलाई दे दी है दोनों साइड से। और अब देखिए हम बैक साइड में आएंगे और 7x11 का ये हम प्लेन पीस लेंगे। और इस प्लेन पीस का देखिए राइट साइड है वो हमारा अंदर की साइड में होगा, इस साइड होगा। और इस प्लेन पीस को हम जिप की इस साइड रखेंगे, जो हमें ये देखिए जिस साइड हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी अटैच की है उस साइड हमें इस पॉकेट को अटैच करना है। तो ये जो जिप है, जिप की जो हमने दाग सिलाई दी है, इस जिप के ऊपर हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस प्लेन पीस को। देखिए ऐसे सेट करना है और देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हमें इसमें अटैच करना है। फ्रेंड्स देखिए जिस साइड हमने देखिए ट्रांसपेरेंट पन्नी वाला पार्ट, पॉकेट वाला पार्ट अटैच किया है, उसी साइड हमें इस पॉकेट को इस साइड अटैच करना है। इस साइड हमें देखिए नहीं अटैच करना है, हमें इस साइड ऐसे सेट करते हुए दोनों साइड से सीधे स्टिच करके इसमें हमें प्लेन पीस को अटैच करना है। दोनों साइड से सीधे स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। और अब हम ऐसे फ्रंट साइड में आएंगे और हमने देखिए अभी जिप में रनर नहीं डाला है, तो पहले हम जिप को ओपन करके देखिए इस साइड से इसको हम ओपन करेंगे और इसमें हम रनर डालेंगे। पहले जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए प्लेन पीस का जो इस साइड से और इस साइड से ओपन पार्ट है, इस साइड हम देखिए ऐसे स्टिच करके दोनों साइड से प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमें सीधे स्टिच करते हुए प्लेन पीस को लॉक कर दिया है और ये पॉकेट हमारी इस साइड यहाँ पर स्टिच हो गई है, इसको हम लॉक कर देंगे। और अब हमें इस साइड आना है और 4x8 का ये हमें दोनों मेन फैब्रिक्स लेना है। इसमें से पहले हम एक पार्ट को लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड एक साइड में होगा। इस पार्ट को हम ऐसे सेट करते हुए पहले हम सीधे स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए सीधे स्टिच करके इस फैब्रिक को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम फुट को ऊपर की साइड में करेंगे और इस पार्ट को हम देखिए ऐसे इस साइड कर लेंगे। ये हमने देखिए सेट किया और इस साइड हम देखिए स्टिच करके इसको यहाँ से अटैच करेंगे। और इसके बाद इस पार्ट को हम ऐसे इस साइड लाते हुए इस साइड स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए इस फैब्रिक को स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसका हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसको हमें दूसरी साइड में इसी शेप में स्टिच करना है। तो हम देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में रखते हुए ऐसे हम शेप में स्टिच करके इस पार्ट को भी अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने थ्री साइड से स्टिच करके इस पार्ट को इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसको हम पलट के राइट साइड में कर लेंगे। इसको पलट के हमने देखिए राइट साइड कर लिया है। और अब देखिए जो कॉर्नर्स हैं, इस साइड हम दोनों कॉर्नर्स में हल्का सा शेप दे देंगे। इसे हमें 1/2 इंच पे मार्क करके शेप देना है। ये हमने देखिए इस साइड शेप में कट कर लिया है। अब इसको हम फोल्ड करते हुए दूसरी साइड भी शेप में कट कर लेंगे।
इस साइड भी हमने शेप में कट कर लिया है। और अब हमें 5.5 बाई 11 का ये हम मेन फैब्रिक लेंगे, ये प्लेन पीस लेंगे और 11 इंच की ये हम तीसरी जिप लेंगे। फ्रेंड्स हमें 11 इंच की 3 जिप लेनी है। और अब देखिए इस फैब्रिक को लेंगे और ये जिप लेंगे, जिप का राइट साइड और ये मेन फैब्रिक का राइट साइड दोनों एक साइड में होगा। और ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को इसके ऊपर जिप के ऊपर देखिए ऐसे सेट करेंगे और सीधे स्टिच करके इस पर हम इसको अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने जिप और प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। और अब हम प्लेन पीस को बैक साइड में ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर ऐसे प्रेस करते हुए इस साइड आएंगे और यहाँ पर दाग सिलाई देते हुए हम सीधे स्टिच कर लेंगे। दाग सिलाई देते हुए साइड हमने सीधे स्टिच कर लिया है। और अब हम जिप में रनर डालेंगे, जिप को ओपन करेंगे और जिप में हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है। 11 बाई 29 का ये प्लेन पीस लेना है और ये प्लेन पीस का देखिए राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड में हमें इस फैब्रिक को देखिए ऐसे सेट करना है। ऐसे सेट करते हुए हम ऐसे यहाँ पर 3 साइड से स्टिच कर लेंगे और इस पार्ट को हम इसमें अटैच कर देंगे। 3 साइड से स्टिच करके हमें देखिए इस पार्ट को प्लेन पीस में अटैच कर दिया है। और अब जिप की दूसरी साइड में हमें पाइपिंग से स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक करना है। तो ये हम देखिए पाइपिंग लेंगे 1.5 इंच की, ये हमने पाइपिंग ली है। पाइपिंग को हम जिप की दूसरी साइड में यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इस साइड स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद डबल फोल्ड करते हुए साइड हम स्टिच करके पाइपिंग को इसमें अटैच कर देंगे। पाइपिंग को स्टिच करके हमने साइड अटैच कर दिया है और जिप भी हमारी साइड यहाँ से लॉक हो गई है और एक पॉकेट हमारी साइड यहाँ पर स्टिच हो गई है। और अब देखिए इसके हम दूसरी साइड में आएंगे, इस साइड आएंगे और 4 बाई 8 का ये हम प्लेन पीस लेंगे। और इस प्लेन पीस का देखिए ये राइट साइड है और ये इस फैब्रिक का राइट साइड है। और दोनों पार्ट्स को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे। इसके बाद फुट को उठाएंगे, फुट को उठाते हुए इस साइड हम ऐसे टर्न कर लेंगे, इस साइड हम स्टिच करेंगे। इसके बाद फुट को उठाएंगे, फिर टर्न करते हुए यहाँ पर देखिए ऐसे स्टिच करके इसमें हम इस प्लेन पीस को अटैच कर देंगे। साइड देखिए हमने प्लेन पीस को सेट करते हुए 3 साइड से स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब इसके हम दूसरे पार्ट को लेंगे और दूसरी साइड में हमने जैसे इसको स्टिच किया है वैसे ही इस साइड भी स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस के दूसरे पार्ट को भी हमने इस साइड स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए इस साइड आएंगे और इस साइड हम इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड हमने सेंटर का कट लगा लिया है। और अब हमें ये वाला पार्ट लेना है जिसको अभी हमने स्टिच किया था और ये हमें 11 इंच की स्टेप लेनी है। इस स्टेप को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो जिप अटैच की है इस पार्ट के हम जस्ट ऊपर की साइड में यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस पॉकेट के हम यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड में यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे और इस साइड स्टिच करके इसको हम इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए स्टेप को स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये वाला पार्ट लेंगे, प्लेन पीस वाला। और ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा राइट साइड आएगा और ये हमारा रॉन्ग साइड आएगा। और इसको हम देखिए इसके अंदर ऐसे सेट करेंगे, सेट कर लेंगे। ये हमने देखिए पॉकेट के अंदर इसको सेट कर लिया प्लेन पीस को। और इस पार्ट को लेंगे और इस साइड भी हम पहले ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर का कट लगा लेंगे। हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब देखिए दोनों सेंटर के कट को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे। पिन से हमने इसको सेट कर दिया है। और अब देखिए जो प्लेन पीस की स्टिच लाइन है और ये वाली जो स्टिच लाइन है दोनों को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर हम पहले पिनअप कर लेंगे। इस साइड भी हम देखिए ऐसे दोनों को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। ये हमने देखिए पिन से सेट कर दिया इस फैब्रिक को। और अब देखिए इस साइड से हम यहाँ पर 6 इंच का गैप छोड़ते हुए ऐसे हम पूरा यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। यहाँ पर पहले हम मार्क कर लेंगे, इसे हम मार्क कर लेंगे। इस साइड हमें 6 इंच का गैप छोड़ते हुए ऐसे हमें पूरा ऐसे राउंड में स्टिच करना है और प्लेन पीस वाले पार्ट को हमें इसमें अटैच करना है। तो हम देखिए यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और पूरा राउंड में स्टिच करके इस पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे। इस
साइड हमने देखिए ऐसे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है, और जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स में हमें देखिए शेप देते हुए स्टिच करना है। और ये जो हमने स्ट्रैप यहाँ पर अटैच की थी फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस स्ट्रैप को हमें बाहर की साइड में इस साइड यहाँ पर अटैच करना है। हम देखिए इसको अंदर की साइड में करेंगे और यहाँ पर इसे सेट करके स्टिच कर लेंगे, और पहले हम स्ट्रैप को इसमें अटैच कर देंगे। स्ट्रैप को देखिए अंदर की साइड में सेट करते हुए हमने स्टिच करके अटैच कर दिया है, और ये जो प्लेन पीस है इसे हमें हटाते हुए स्टिच करके इसमें अटैच करना है स्ट्रैप को। और अब देखिए जो ओपन पार्ट है इसको भी स्टिच करके हम यहाँ से लॉक कर देंगे। 6 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने पूरा देखिए ऐसे राउंड में स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब दोनों कॉर्नर्स में जो हमने शेप में कट किया था इसको भी हम देखिए शेप में कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। इस साइड हमने देखिए शेप में कट कर लिया है। अब जो ये ओपन पार्ट है इस साइड से इसको पलट के हम राइट साइड कर लेंगे। पलट के हमने देखिए राइट साइड कर लिया है। अब जो ये प्लेन पीस का पार्ट है इसको हम पॉकेट के अंदर ऐसे सेट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए पॉकेट के अंदर सेट कर दिया है, और अब देखिए ये जो ओपन पार्ट है इसको हम ऐसे हम सेट करेंगे। इस पार्ट को देखिए ऐसे करेंगे, और ओपन पार्ट में हम पहले प्लेन पीस को देखिए हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड में, और ये जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक को भी हम ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हम सेट कर लेंगे पहले इसको। और अब देखिए इस साइड हम स्टिच करके इसको लॉक कर देंगे, और राउंड में स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए ओपन पार्ट को भी स्टिच करके लॉक कर दिया है। देखिए ये पार्ट हमारा नीचे अटैच हो गया इस साइड से और इस साइड से भी। और अब देखिए इस साइड हम यहाँ पर ऐसे हम इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क लगाएंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे चौक से। ये हमने इस साइड यहाँ पर सेंटर का मार्क लगा लिया है। सेंटर के मार्क पे हम इस साइड से यहाँ पर 1 इंच नीचे की साइड में डाउन करेंगे। ये हमने 1 इंच पे डाउन किया। यहाँ पर हमें मैगनेट का एक बार अटैच करना है, तो हम देखिए मैगनेट को ओपन करेंगे और इसके पहले पेज को लेंगे, और जो मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट पे हम इसको देखिए ऐसे सेट करके पहले मार्क करेंगे। इसके बाद इस पॉकेट को हम ओपन करते हुए इसके अंदर सेट करते हुए मैग्नेट को हम इसमें अटैच करेंगे। इस साइड देखिए हमने पॉकेट के अंदर मैग्नेट को लॉक कर दिया है, और मैग्नेट हमारा यहाँ पर अटैच हो गया है, और इसको हम देखिए पॉकेट को लॉक करेंगे। और जिस साइड हमने ये जिप अटैच की है जिप वाले पार्ट को हम इस वाले स्टिच लाइन पे ऐसे हम देखिए ऐसे सेट करेंगे। देखिए इस जिप वाले पार्ट को हमें इस वाले पार्ट पे ऐसे सेट करना है, और इसमें हमें ऐसे सेट करना है, और मैग्नेट का दूसरा पार्ट हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो हम पहले चौक से इस मैग्नेट में ऐसे मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए मार्क किया, और इसको हम देखिए ऐसे टर्न कर लेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर हमें मैग्नेट का दूसरा पार्ट अटैच करना है। तो हम पहले पेज को रख के यहाँ पर मैग्नेट का ऐसे मार्क करेंगे। देखिए ऐसे सेंटर में सेट करते हुए मैग्नेट के दूसरे पार्ट को हम इस वाली साइड में अटैच करेंगे। देखिए मार्क किया हमने, और पॉकेट को ओपन करेंगे। इस पॉकेट को ओपन करते हुए हमें मैग्नेट का दूसरा पार्ट अटैच करना है। दोनों साइड से हम देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और मैग्नेट की दूसरे पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड से हमने देखिए मैग्नेट को लॉक कर दिया है, और मैग्नेट यहाँ पर अटैच हो गया है, और अब हमारा ये मल्टी स्टोरेज बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए एक पॉकेट हमारी इस साइड से है, इसको हम लॉक कर देंगे, और एक पॉकेट हमारी इस साइड यहाँ पर जिप से आ गई है। देखिए एक पॉकेट इस साइड है, इसको हम लॉक कर देंगे। इस साइड भी देखिए अपना कोई भी सामान सेट करते हुए रख सकती हैं। देखिए इसमें छोटे बच्चों के नैपीस वगैरह भी आप इसमें सेट करके रख सकती हैं, और इसको हम देखिए मैग्नेट से यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे। और बैक साइड में भी एक जिप से पॉकेट आ गई है। फ्रेंड्स ये बैग बहुत यूज़फुल है, आप इसको ज़रूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा मल्टी स्टोरेज बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।